हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 का संस्कृत श्लोक नंबर 1 और संस्कृत श्लोक नंबर 2 वहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो आज के पोर्शन में है चैप्टर नंबर 2 का संस्कृत श्लोक नंबर 3 और संस्कृत श्लोक नंबर 4। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवायो। ओम श्री गुरुवे नमः। तो अभी हम लोग हमारा संस्कृत श्लोक शुरू करते हैं। संस्कृत श्लोक नंबर 3, इसका संस्कृत श्लोक है, प्लव्यमस्माकम् पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदये दौर्बल्यम् त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। तो जब हम लोग इसके संस्कृत श्लोक को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से होते हैं। क्लैव्यम, इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, नपुंसक। मा स्मा, इसका मतलब है डू नॉट, नहीं, ऐसा नहीं। गमा, इसका मतलब है टेक टू, ले जाओ। पार्थ मतलब ओ सन ऑफ पार्थ, हे पार्थ। ना मतलब नेवर, कभी नहीं। एतत, इसका मतलब है दिस, यह। त्वय, इसका मतलब है अनटू यू, आप पर निर्भर। उपपद्यते, इसका मतलब है इस बिफेरिंग, आप पर उचित, नहीं करता। शूद्रम, इसका मतलब है पेटी, मतलब छोटे मोटे बात। हृदय मतलब ऑफ द हार्ट, हृदय में, मन में। दौर्बल्यम, इसका मतलब है वीकनेस, दुर्बलता। त्यक्त्व, इसका मतलब है गिविंग अप, हार मान जाना। तिष्ठ, इसका मतलब है गिव अप। तिष्ठ मतलब गेट अप, उठ जाओ। परं तप, इसका मतलब है ओ चेरिस्टर ऑफ द एनिमीज, इसका हिंदी का मतलब है जानी दुश्मन। मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परं तप कहते हैं, मतलब जानी दुश्मन। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाके अगर दुश्मनों के पसीने निकाल दे, दुश्मनों को धूल चटा दे, उसको परं तप कहा जाता है। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, ओ सन ऑफ पार्थ डू नॉट येल टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस, इट डज नॉट बिकम यू, गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, ओ चेरिस्टर ऑफ द एनिमी। और जब हम लोग इसका हिंदी मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है, हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम पे उचित नहीं होता है, उठो और इस तरह के छोटे मोटे बातों से अपने मन को कमजोर मत करो। अभी है श्लोक नंबर 4। तो श्लोक नंबर 4 का संस्कृत श्लोक है, अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। और जब हम लोग इस संस्कृत श्लोक को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इस मतलब कुछ इस तरह से होते हैं, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा। कथम, इसका मतलब है कैसे, हाउ। भीष्म मतलब भीष्म पितामह, ग्रैंडफादर भीष्म। अहम, इसका मतलब है आई, मैं। संख्य मतलब इन द फाइट, इस युद्ध में। द्रोणं मीन्स गुरु द्रोणाचार्य। च मतलब ऑल्सो, और। मधुसूदना, ओ मधुसूदना, ओ हे मधुसूदन। इशु बिहे, इसका मतलब है विद एरोस, मतलब अपने तीरों से।
प्रतियोत्स्यामि मतलब शेल काउंटर अटैक मीन्स मैं इसका जवाब कैसे दूँ। पूजर हा इसका मतलब है दोस हु आर वर्शिपेबल मतलब जो पूजनीय है। अरिसुधना मतलब अ किलर ऑफ द एनिमीज मीन्स जो दुश्मनों को मारते हैं। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अरिसुधना कहते हैं जो दुश्मनों की हमेशा हत्या करते हैं, उनका अंत करते हैं। और जब हम लोग इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। अर्जुन से ओ किलर ऑफ द एनिमीज ओ किलर ऑफ द डेमन मधु हाउ कैन आई काउंटर अटैक एंड फाइट विद ग्रैंडफादर भीष्म एंड टीचर गुरु द्रोणाचार्य विथ माई एरोस हु आर वर्थली ऑफ माई वर्शिप। और जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन किस तरह मैं अपने ही दादाजी और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध इस ये युद्ध कर सकता हूँ। वो जो मेरे जो पूजनीय है उन्हें मैं पूजा कर सकता हूँ और उनके विरुद्ध जाके मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को बताते हैं। अर्जुन अपनी परेशानियाँ बता रहा है और भगवान श्री कृष्ण उनको ये मार्गदर्शन करा रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि मैं किस तरह अपने दादाजी और अपने गुरु की हत्या कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली वो भगवान श्री कृष्ण से भी ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने दादाजी के साथ कोई युद्ध कर सकते हैं और क्या आप अपने गुरु के विरुद्ध खड़े होके उनके साथ युद्ध कर सकते हैं। वो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया वो हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। तो तब तक अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो फिर मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहे और साथ में अगले श्लोक में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। और थैंक यू सो मच, आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। राधे राधे। जय गीता जय गीता जय गीता।